आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। क्या होता है ये? हाँ बोलो, क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स क्यों अट्रैक्टिव फोर्स? दो बॉडी एक दूसरे की तरफ जाती है, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल। तो नॉर्थ, दो मैग्नेट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन मास के वजह से होता है, हाँ, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन बाय वर्चू ऑफ मास। मास। ये सबको आता है, मैंने ऐसा ही पूछा था। सो फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, बाय वर्चू ऑफ मास, है ना? तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, फिर इसका एक फंडामेंटल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होगे तुम लोग, सबको मालूम है, सबको मालूम है। ये एक मास M1 है, ये एक मास M2 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R है, तो ये तो जी दोनों एम एक वन एम टू दूसरे अपॉन आर को स्क्वायर वाले अपनी ओर पुल करेगा, मास। और ये दोनों को अपनी ओर जिस फोर्स से पुल करेगा, इस फोर्स की वैल्यू होगी जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सबको मालूम है ना? सर, यस सर। इसमें कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल क्या होता है? सीधे कांस्टेंट बोल देते ना, ये यूनिवर्सल का क्या ये मतलब पूरे है? क्या यूनिवर्स में लग सकता है। हुआ? बोलो। तो मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ अर्थ पे ही चलता है, मतलब यूनिवर्स में भी। रिकवरिंग यूनिवर्स। जैसे वाटर की डेंसिटी, ये तो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, उसमें तो यूनिवर्सल वर्ड नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये कांस्टेंट में यूनिवर्सल वर्ड और कहाँ कहाँ सुने हो? गैस में गैस कॉन्स्टेंट। हाँ, कैपिटल आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सुना है ना? तो अभी तक दोनों ही यस जगह सुने होंगे, एक कैपिटल आर में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एक यहाँ पर कैपिटल जी में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। होता क्या है, कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल 1 2 3 पाई हो गया, जैसे ये सब न्यूमेरिक कांस्टेंट है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यस यस सर। जिसका कि कोई यूनिट नहीं होता है, जैसे पाई हो गया इस तरह का, या लॉग का बेस ई वाला ई हो गया, इन सब का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये नॉर्मल कांस्टेंट होता है। एक दूसरा होता है फिजिकल कांस्टेंट, तो फिजिकल कांस्टेंट में एक होता है वो, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर मैं कहूँ कि किसी भी मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सभी तो कांस्टेंट है ना? लेकिन जैसे मैं अगर कहता हूँ, क्या कह रहा था, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर जो कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है,
इसके अपने टर्म्स एंड कंडीशन है कि वाटर इतना डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए और ये इंडिविजुअली केवल वाटर के लिए एप्लीकेबल है, कोई और लिक्विड के लिए नहीं। तो जब हम यूनिवर्सल बोलते हैं ना, इसका मतलब है कि टाइम और स्पेस दोनों से इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो? तो टाइम और स्पेस दोनों से इंडिपेंडेंट जब कांस्टेंट होता है तभी हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट उसको कहते हैं। जैसे कैपिटल आर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ गैस, कोई भी गैस हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, कोई भी लोकेशन हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो, कैपिटल आर वही रहेगा। उसी तरह ये कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। खैर एनीवे, ये सब तो ये आपका, ये आप पढ़ चुके हैं। अब मैं इसका जरा एक वेक्टर फॉर्म में कोशिश करता हूँ बताने का आपको। जैसे ये एक मास है और ये एक मास है, इस मास को M1 कह देते हैं, इस मास को M2 कह देते हैं। तो M1 का पोजीशन वेक्टर अगर ये है R1, और M2 का पोजीशन वेक्टर ये है R2, ठीक है? तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा, इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन। यस सर, यस सर, और इसकी वैल्यू होगी R2 - R1। यस यस सर, अगर हम फोर्स ऑन टू निकालें तो फोर्स ऑन टू का डायरेक्शन इधर होगा, है ना? बोलिए। यस तो मैं अगर इस पूरे प्रोसेस को समराइज करूं तो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को तो लिख दूंगा G M1 M2 upon R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यस, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, बट ध्यान से देखोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, R21 का अपोजिट होगा ना? यस यस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -R21 के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, ऐसा? यस। यहां तक कोई डाउट? नहीं। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फाइनली G M1 M2 upon, ध्यान से देखना, R2 पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R2 - R1 विथ माइनस साइन। ये वेक्टर फॉर्म में आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा। आई बात समझ में? यस सर, यस, कोई डाउट नहीं? नो सर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। अब देखो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका लिमिटेशन है कि ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है, ठीक है? ठीक है। Yes. तो ये जो अलजेब्रिक फॉर्म में दिख रहा है वो सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैल्यू है। सो दिस अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ of gravitation is valid only for point masses. कोई doubt? यहां तक कोई doubt? बोलो। अब आपका कॉमन सेंस कहता है कि पॉइंट मास के बदले अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम रहेगा तो हम क्या करेंगे? कैलकुलस यूज करेंगे, है ना? सो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम method of calculus should be used. For calculation of ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। जल्दी से इसको कॉपी करो। फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं। हो गया? यस यस यस। एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले करके दिखाओ। कोशिश करो।
हो गया यस सर हो गया आ गया सबका आंसर यस सर क्या आया रूट जी एम अपॉन आर टू रूट टू प्लस वन अपॉन फोर देखो इधर जब ये चारों पार्टिकल एक सर्कल में मूव करेंगे तो डेफिनेटली किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम देखेंगे तो इन चारों को अगर मिलाएंगे तो स्क्वायर का ही वर्टेक्स बनेगा कॉमन सेंस है yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो किसी एक मान लो इसी को देखते हैं सबके मास आइडेंटिकल है ना तो ये इसको पुल करेगा मान लो एफ फोर्स से तो ये भी इसको पुल करेगा एफ फोर्स से ये दोनों में तो सेम डिस्टेंस है ना और ये डायगनली अपोजिट वाला इसको पुल करेगा लेट इट बी एफ डैश से ठीक है तो इस पर नेट फोर्स रेडियस आर है ना हाँ तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो एफ रूट टू प्लस एफ डैश होगा टुवर्ड सेंटर ओ ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं यस सर पक्का यस सर और रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस रूट टू आर होगा यस एफ की वैल्यू हो जाएगी जी एम वन एम टू अपॉन रूट टू आर का होल स्क्वायर दैट इज जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर ये एफ की वैल्यू हो जाएगी यस यस और एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी इसी तरह जी एम वन एम टू अपॉन फोर आर स्क्वायर है ना yes. तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो नेट फोर्स दैट इज एफ रूट टू प्लस एफ डैश ये एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए मतलब जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो रूट टू प्लस वन बाई टू ये एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए आया ना यस तो यहां से मुझे वी की वैल्यू दिख रही है अंडर रूट जी एम अपॉन टू आर इंटू रूट टू प्लस वन बाई टू यही आया था आंसर यस सर यस सर वेरी गुड आगे बढ़ू आगे बढ़ू या किसी को कॉपी करना है नहीं सर नहीं सर एक और क्वेश्चन करो फिर दिख रहा है सबको यस
बोलिए आया आंसर? बोलिए आया आंसर? बोलो तो, आवाज आ रही है? यस। नहीं आया आंसर? चलो देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड है, इसके लिए रुक गए आप लोग। बोलिए ना क्या प्रॉब्लम है? ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड की वजह से प्रॉब्लम है? बोलो तो। ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क की वजह से प्रॉब्लम है तो हटा दिया, या कुछ और है जैसा? बोलो। बोल नहीं रहे हो तुम लोग। सर फील्ड का अपना प्रॉब्लम है, यह सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, वो कंसीडर कर लिया कि वो पॉइंट मास लेके सॉल्व करना। फिर तो होना चाहिए। चलिए उससे पहले एक दूसरा के लिए, सर छोड़िए ये कीजिए। इसमें फील्ड वर्ड नहीं है, मास दिया हुआ है। पहले सब लोग क्वेश्चन पढ़ो और बोलो होगा या नहीं, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। फिर फील्ड और इसमें क्या डिफरेंस है, बस इतना ही। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास को फील्ड कहते हैं। खैर वो देखते हैं, चलो पहले ये बताओ। अ सेमी सर्कुलर वायर हैज लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द वायर होगा? यस सर। चलो ट्राई करो, मैक्सिमम 5 मिनट्स।
बोलिए कुछ हुआ? बोलो तो। सर वो सॉल्व नहीं हुआ। तो बोलो बेटा आगे आंसर। चैट में भेज। ठीक है सर, अटेम्प्ट किया, मैं फटाक से देखता हूँ आंसर मैच कर लीजिएगा। पाई जीएम सही लग रहा है, आदित्य भंसाली का आंसर सही लग रहा है। देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है। सेमी सर्कुलर है ना? यस यस। तो ऐसा समझ लीजिए, लेंथ एल है, मीन्स ये एल 2 पाई आर के बराबर होगा। समझ रहे हैं? 2 पाई आर नहीं, पाई आर के बराबर, माय मिस्टेक। पायर पायर हाँ, पाई आर के बराबर होगा। तो यहां से रेडियस की वैल्यू मिल गई एल बाई पाई। देखेंगे बाय। यहां से थीटा एंगल पर अगर हम छोटा सा डी थीटा सेगमेंट ले, तो इसका जो मास डी कैपिटल एम होगा और यहाँ पर जो मास स्मॉल एम है, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इधर होगा। तो यस इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कॉस थीटा वाला और एक साइन थीटा वाला। होगा ऐसा? यस सर तो मैं ज्यादा नहीं लिखता हूँ, अब समझ जाओगे तुम लोगों ने, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर मेहनत कर ली होगी तो समझ जाओगे। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा डी एफ इंटीग्रल साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ऐसा कुछ, और थीटा इज इक्वल टू -π/2 से +π/2। यस
हो जाएगा ऐसा, अगर मैं df को, तो df मेरा हो जाएगा g small m dm, that is lambda r d theta, समझ रहे होगे अब? Yes. अपॉन आर स्क्वायर, इधर हो गया साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है? तो जी स्मॉल एम लैम्डा अपॉन आर, इसको बाहर कर दिया, इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, इधर हो गया साइन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा डी थीटा जे कैप, कोई दिक्कत? नो सर. बोलिए. नो सर. नो सर. तो अब ये इंटीग्रेशन तो कर लोगे, साइन का इंटीग्रल कॉस होगा माइनस कॉस, तो कॉस माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू सेम होता है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो जी एम लैम्डा बाय आर, और कॉस का इंटीग्रल साइन होता है साइन 91 और माइनस साइन माइनस 90 अगेन 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा. यस. और लैम्डा को कैपिटल एम बाय एल लिख देंगे, है ना? Yes. और आर क्या मिला था? L by pi. और इधर 2, तो ये फाइनली मेरा आंसर हो गया. तो 2 पाई जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल स्क्वायर अलोंग जे कैप, इस केस में मैग्नीट्यूड ही पूछा है, वैसे ये आंसर होगा. ये आंसर आया था आप लोगों को? हाँ सर, मुझे यही है. किसी का तो देखा था मैं ये आंसर. आगे बढ़ू? यस यस. टॉपिक कर लिया सबने? हाँ सर. आगे बढ़ो. पक्का? एक और कोशिश कीजिए. सर आप फर्स्ट आंसर एक बार चेक करके बता सकते हो क्या? वो आंसर मैच ही नहीं कर रहा है. आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है. ऐसा है क्या? बाकी किसी को? बाकी जनता बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैच हुआ या नहीं? हाँ सर, मेरा भी मैच. तुम्हारा क्या आया बेटा? सर मेरे में हाफ था, ऐसे में वो आपने जो टू नीचे आया वो एक्चुअली मेरे में 4 आ रहा है, उसके वजह से वो रूट के बाहर आ जा रहा है हाफ. नहीं नहीं, तो आपने क्या वो किया होगा, ये 1/2 का 2 एलसीएम ले लिया होगा, तो आपको 2 जब 4 का 2 बाहर आ रहा होगा और इधर ब्रैकेट में 2√2+1 आ रहा होगा. हाँ हाँ, तो वही तो आंसर है ना. अरे ये जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ अगर 2 एलसीएम ले लोगे तो ये. हाँ हाँ हाँ, I got it. उनका पक्का? हाँ हाँ सर, अब दिखा मेरे को. सर अगर आप सेकंड वाले में सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग का ले लो तो. अच्छा एक बात बताओ, सुनो
हाँ सर सब लोग सुनो, मतलब मुझे मालूम, मैं चाह रहा था कि ये तुम लोग पूछो, तुम लोग नहीं पूछे तो मैं आगे बढ़ गया। तुम्हें क्या लगता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग अगर हम वहां ले लें तो यही आंसर आता है? नहीं सर अलग आ रहा है। नहीं सर अलग आएगा। अलग आ रहा है। अलग आ रहा है। अलग आ रहा है। अब सुन मेरी बात, सब ध्यान से सुनेगा और अभी मारूंगा भी। पहली बात तो सेंटर ऑफ मास के पहले लेक्चर में मैंने सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन लिखाया था और डेफिनेशन में अंडरलाइन किया होगा। तुम लोगों को लगता है सर ऐसे ही कुछ कुछ लिखते हैं करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें देखो मैंने लिखाया था कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज फॉर आई मीन एक्सप्लेनिंग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को डिफाइन करने के लिए हम मास को किस पॉइंट पर माने वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है, ऐसा बताया था। यस सर। यस सर। तो जहां कहीं भी सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन का यूज नहीं है उसके अलावा कहीं, सॉरी, रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन के अलावा कहीं भी आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आंसर गलत ही आएगा। ओके सर। ओके सर। आंसर गलत ही आएगा। जैसे उसका एक दूसरा ताजा एग्जांपल आप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो जो नीचे दिया है। अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास से करने जाऊं तो M और M के बीच का डिस्टेंस 2L तुरंत आंसर आना चाहिए। Yes, लेकिन करके देखो नहीं आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट केवल रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे, उसके अलावा कहीं भी यूज करोगे आंसर गलत आएगा। इवन वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी निकालने में ऐसी बहुत गलती हुई होगी। यस है ना, तो वो नहीं। थंब रूल, सेंटर ऑफ मास का यूज केवल और केवल हम लोग रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए ही यूज करते हैं, उसके अलावा कहीं भी यूज करोगे गलत कॉन्सेप्ट है, गलत आंसर आएंगे। फिर तो एक बार सोचो, तुम ध्यान से सुनो, इतना सब कुछ पढ़ चुके हो तब भी ऐसी बैकी बैकी बात करते हो। मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाला था हम लोगों ने रॉड का पॉइंट के अबाउट, अब इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा दो तो जीरो आना चाहिए। एंड पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा दो तो ml स्क्वायर बाय 4 आना चाहिए। यस सर। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं चल रहा है, याद करो केवल और केवल रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, एकदम ये बाइबल का ट्रुथ समझ लो इसको तुम। यस ठीक है, चलिए थर्ड ट्राई कीजिए।
बोलो आया आंसर? यस यस क्या आया? जीएमएम अपॉन 2L स्क्वायर। फटाक से देख लेते हैं। यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक डीएस लेंथ ले लेते हैं, ठीक है? तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन डीएफ होगा, इसको लिख सकते हैं जी एम लैम्डा डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यस। तो फाइनली जी एम लैम्डा को लिख देते हैं एम अपॉन 2L, और इधर dx अपॉन x स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू l टू 3L। यस। सो दिस इज जी एम स्क्वायर अपॉन 2L इनटू 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस 1 बाय x, माइनस 1 बाय x l टू 3L। तो ये कितना हो जाएगा? देखो जी एम स्क्वायर अपॉन 2L ये हो जाएगा 1 बाय l माइनस 1 बाय 3L, ऐसा कुछ? यस सर। यस सर। कितना हो गया? जी एम स्क्वायर अपॉन जो मुझे दिख रहा है 3L स्क्वायर हो जाएगा शायद। हाँ सर, नीचे 3L स्क्वायर है। दिख रहा है सेंटर ऑफ मास जैसा कोई कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता? यस। आगे बढ़ू? यस यस यस। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के लिए सफिशिएंट। चलो एक और लास्ट, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे आएंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन करो। दिख रहा है? Yes। इसमें लिखा है थिन रॉड और मास डेंसिटी लिखा है। तो थिन रॉड और मास डेंसिटी लिखा है मतलब ये मास पर यूनिट लेंथ ही है, ठीक है? Yes sir। सिंबल से कंफ्यूज मत करना, मास पर यूनिट लेंथ ही। कोशिश कीजिए।
डन सर। डन सर। चैट में भेजो। पहले मुझे बताओ किया क्या क्या समझे इस क्वेश्चन से, ये बताइए। आंसर ठीक है, आंसर आया नहीं आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, वो आप समझे कि नहीं पहले मुझे ये जानना है। क्या समझे इस क्वेश्चन से बताइए। कैसे सॉल्व किया बोलो ना। लास्ट वाले में एल टू इनफिनिटी डाल दिया। यस सर। गलत है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं हिंट देता हूँ, सॉल्व तो उसके बाद करूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हो, जब भी किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है तो वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा ना, कॉमन सेंस है। yes. अदरवाइज बताएगा कि एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, ऐसा कुछ तो बताएगा। नहीं तो अपने मन से इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन के जैसा अज्यूम करने का कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ आई। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा ई शेप। डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ, शायद उसके बाद सॉल्व हो जाए। ये एक रॉड है, इनफाइनाइट लेंथ है, इधर एक मिनट। अच्छा सुनो, इनफाइनाइट लेंथ है इसका, और जो पॉइंट दे रखा है वो यहाँ से जो भी डी एल क्या लिखा है, कितने डिस्टेंस पे है, तो किसी एक पॉइंट का किसी एक लाइन से जो डिस्टेंस है वो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, तो आपका मास यहाँ पर है। अब विजुअलाइज हुआ क्वेश्चन कोच। यस सर। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। कोशिश कर सकते हो अब। हाँ सर, दो मिनट। यस सर।
आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? बोलिए। सर जी इन टू एम इन टू लीनियर डेंसिटी बाय एल आर, वो तो लास्ट टाइम पे है, सेम आ रहा है। यहां से एक्स डिस्टेंस पर हम डी एक्स लेंथ ऑफ रॉड ले लेते हैं अपने मन से, ठीक है। इस डी एक्स लेंथ के कारण पहले मेथड समझ लेते हैं, बाद में मैथमेटिक्स कर लेंगे। इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, है ना? यस सर। तो ये फोर्स डीएफ हो गया, ये कुछ भी एंगल मान लो थीटा है, तो इस डीएफ का एक कंपोनेंट हो गया डीएफ साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो गया डीएफ कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दूं तो हमारा काम चलना चाहिए? यस सर। श्योर। तो पहले डीएफ देखो, जी स्मॉल एम इंटू लैम्डा जो भी यूनिट है देख लेना, लैम्डा डीएक्स उसमें शायद रो लिखा हुआ है, लैम्डा डीएक्स ये मास हो गया डिवाइडेड बाय ये एल है ये एक्स है, तो ये अंडर रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यस सर। ये इसका होल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक ठीक है? यस सर। तो अब आ जाओ, अब मैथ्स पे आ जाओ इसका, यानी कि मेरा जो फोर्स वेक्टर है वो माइनस डी एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस डी एफ साइन थीटा जे कैप, ऐसा कुछ होगा? इसी का इंटीग्रल, या चलो मैं ऐसे लिखता हूं, अभी डी एफ ही लिख देता हूं। तो डी एफ वेक्टर इज डी एफ माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, हाँ या ना? यस यस। डी एफ है मेरा जी स्मॉल एम लैम्डा डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ दो दो अननोन है, एक्स चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा। यस यस। तो दो तरीका है, या तो मैं थीटा को रखूं या एक्स को रखूं। अगर मैं थीटा को रखता हूं तो मेरा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होगा। यस यस। और अगर x को रखता हूं तो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी होगा। यस यस। ठीक है, तो जिसको चाहो उसको बना सकते हो। सो थीटा रख लो, x एलिमेंट तो नहीं सर। ठीक है, तो थीटा रख लेते हैं। तो अगर हम थीटा रखेंगे तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू x by l, दिख रहा है? यस सर। इसको यहाँ पर थीटा ही रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, तो यहां से मुझे मिलेगा एक्स इज इक्वल टू एल टैन थीटा, तो डी एक्स हो जाएगा एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बात समझ आई? यस सर। तो अगर ऐसा है तो इसको यूज कर लो आप। तो ये हो गया जी एम लैम्डा, डी एक्स की जगह क्या था एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, शायद ऐसा होगा, अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स है मेरा एल टैन थीटा, एल टैन थीटा, तो वन प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर ही होता है। हाँ सर। तो ये एल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा। यस।
और इधर cos थीटा i कैप विद माइनस साइन प्लस sin थीटा j कैप, ठीक है। तो ये sec स्क्वायर को हटा दो, एक l को हटा दो, तो g स्मॉल m लैम्डा अपॉन स्मॉल m लैम्डा अपॉन l बच जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा डी थीटा जे कैप, ऐसा होगा। यस यस। नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू, ठीक है। तुम लोग को भी मेरा साउंड इको हो रहा है क्या, या सिर्फ मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है? नहीं सर, इको नहीं हो रहा है मुझे, मेरे हेडफोन में इको हो रहा है। तो जी स्मॉल एम लैम्डा अपॉन एल, तो कॉस का डिफरेंस नहीं साइन, ये तो माइनस टू हो जाएगा, साइन जीरो, ये जीरो होगा, है ना। तो मेरा आंसर होगा माइनस टू जी स्मॉल एम लैम्डा अपॉन एल आई कैप, ठीक है। यस यस यस। एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर दो। तो मुझे याद है आंसर में डिनोमिनेटर में टू आना चाहिए था, ऐसा याद है, हो सकता है गलत याद हो मुझे। देखिए किस तरह देखो, नहीं नहीं ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। आया समझ में? Yes. हाँ, इनफाइनाइट है, टू होगा, सही बेटा टू होगा। यही अगर इनफाइनाइट नहीं होता तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ और होता, और क्या, तो ऐसा कोई भी मिलेगा तो सॉल्व कर लेंगे। हाँ सेकंड, है ना। यस। तो आज हम लोगों ने एज अ थ्योरी देखोगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अलावा कुछ भी नहीं सीखा, बट उसी में इतने वेरिएशन है प्रॉब्लम करने को, ठीक है। ग्रेविटेशन पढ़ चुके हो तुम लोग? हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में पढ़े हो? यस। मीथेन का स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है ना? यस सर। तीन कार्बन ट्रायंगल पे होता है, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर होता है और बीच में कार्बन होता है। हाँ सर। हाँ सर। तो मन ही मन सबको एम मास पॉइंट मास बांध के कार्बन पर नेट फोर्स निकालना घर में, ठीक है। ठीक है ऐसे ही दिया, थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज करो। और ये भी कर सकते हो, क्यूब है अगर तो क्यूब के आठों कॉर्नर पर पॉइंट मास एम 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 रख दो, ठीक है। यस। और किसी एक कॉर्नर पर नेट फोर्स निकालो, ये अच्छा क्वेश्चन, क्यूब वाला ट्राई करना, और जितना आसान लग रहा है उतना होगा गारंटी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान देना। Yes. Yes. Q वाला फाइनली, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, एक होमवर्क। ये कॉपी कर लिया सबने? Yes. Yes. एक मिनट, सिंसियरली एक होमवर्क देता हूँ, सब लोग इसको ट्राई करना। अब तुरंत मुझसे आंसर पूछोगे तो वो सब मुझे याद नहीं रहता, मुझे सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। ये एक क्यूब है, तो ये नहीं कि अब तुरंत तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाओ सर आंसर बताओ आंसर बताओ,
अब मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ कि एकदम वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड आंसर लेके बोलता हूँ, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बुक वगैरह में मिल जाएगा, बट मुझे आंसर याद हो कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लो ऐसा है कि हर कॉर्नर पर एक एक मास है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये चैप्टर में अगर तुम्हें मास्टरी हो गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके बाद का चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसमें 50% कहानी यही है और कुछ दोबारा नहीं करूंगा। मास की जगह चार्ज होगा और कैपिटल जी की जगह वो के दूसरा कांस्टेंट होगा 1/4 pi epsilon naught वाला। ठीक है? Yes. तो और उसमें कोई डेरिवेशन दोबारा नहीं करूंगा, इसी के रिजल्ट को मैं लिखता चलूंगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन ए, ये आपका होमवर्क है। और मन करे तो इसके बाद वो टेट्राहेड्रल वाला बोला ना वो भी ट्राई करना, और बाकी तो नॉर्मल बुक बुक जो करते हो करते रहना। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।